हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए दो आरआरबी से छः लेटेस्ट ऑफिशियली खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है कि यहाँ पर एनटीपीसी का लेवल 5 का, 3 का और लेवल 2 के पैनल जारी करवा दिए गए। साथ में डीवी के एडमिट कार्ड भी जारी किए गए हैं दूसरे आरआरबी से। वहीं पर बात करें तो री मेडिकल के लिए अपील का भी जो है कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है, और जिन कैंडिडेट्स ने अपना मेडिकल डीवी के बाद मेडिकल नहीं दिया था, मतलब पेंडिंग में था, तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से आरआरबी से बड़ी खुशखबरी। ऐसे पहले जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने आरआरबी बैंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स में आपको दिखाई देगा, 25 तारीख की अपडेट है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वेबसाइट पर डाली गई है। देखिए पहला जो है नोटिस दिया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, इसको हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों, नोटिस ओपन हो चुकी है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर इंटीमेशन दिया गया है मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स लेवल 3 और लेवल 5 के लिए। तो जो कैंडिडेट्स लेवल 3 में अनफिट हुए, मतलब कि उन कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए मौका दिया जा रहा है। कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर दे रखा है। वहीं पर लेवल 5 में जो कैंडिडेट्स A3 से भी नीचे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड था, उनको भी जो है रीमेडिकल का ऑप्शन दिया जा रहा है। उनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। मेडिकल की सारी प्रोसीजर यहाँ पर दे रखी है। आपको DD 1000 रुपये की बनानी पड़ेगी, और जो है आपको लगभग 24 अप्रैल से पहले पहले अपना जो है अपील फॉर्म भर लेना होगा अगर आपको रीमेडिकल करवाना है तो। और यहाँ पर सारा सब कुछ एनेक्सर वगैरह आपको दे रखा है, प्रोफॉर्मा A B वगैरह, अपना फोटो, नाम, डिटेल वगैरह सब कुछ भरा कर डॉक्टर की सील साइन करवा के आपको जो है सबमिट करना होगा। दोस्तों, उसी के बाद जो है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक और अपडेट दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर लेवल 2 वाले छात्र के लिए बात की गई, यहाँ पर मेडिकल स्टेटस बताई गई। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स का यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ पर मेडिकल जो स्टेटस बताया पेंडिंग कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स है एक लेवल 2 के, इन्होंने DV दिया था लेकिन इनका जो है मेडिकल नहीं दिया इन्होंने, तो इनके लिए जो है पेंडिंग मेडिकल है, मतलब इनका मेडिकल पेंडिंग है। तो इनको जो है एक ऑप्शन, एक और मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पर अपना जो है मेडिकल करवा सकता है। DV के बाद इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया था, इसलिए जो है इनका पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। तो ये अपने RRB मौका दिया रहा है कि 8 अप्रैल से पहले पहले जो है आप RRB के ऑफिस में जो है रिपोर्ट कर सकते हो और अपना मेडिकल कम्प्लीट करा सकते हैं। कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर भी दे रखा है। दोस्तों, उसी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 2 का, यहाँ पर लेवल 3 का, और उसके बाद जो है लेवल 5 का यहाँ पर पैनल दिया गया है। आप देख सकते हैं तीनों ही लेवल के यहाँ पर पैनल दिया गया, एक एक करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो लेवल 2 का पार्ट पैनल 10 जारी किया गया है। यहाँ पर जो है टोटल बात करें तो यहाँ पर एक कैंडिडेट्स है जिनको है कैटेगरी नंबर 13 साउथ वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन क्लर्क TC की पोस्ट दी गई है, इनका पैनल जारी करवा दिया गया है। इसी के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेवल 3 वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बात करेंगे तो लेवल 3 वाले कैंडिडेट्स के पैनल 10 जारी किया गया है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर CCTC मतलब CCTC कैटेगरी नंबर 9 के लिए भी यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स को जो है इम्पैनल किया गया है। आप देख सकते हैं रोल नंबर कैंडिडेट्स का यहाँ पर। और उसके बाद जो है लेवल 5 वाले कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे तो लेवल 5 का भी नोटिस ओपन कर लेते हैं। देखिए लेवल 5 जो कि इनका पैनल जारी किया गया 12वें नंबर का, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो पैनल जारी किया गया, तो आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट्स को जो यहाँ पर सीनियर CCTC के लिए जो है पैनल दिया गया है कैंडिडेट्स का। तो यहाँ पर रोल नंबर कैंडिडेट का दे रखा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इनका भी जो है पैनल जारी करवा दिया गया। तो RRB बेंगलुरु से टोटल 5 लेटेस्ट खुशखबरी थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। इसी तरह से दूसरा RRB की अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा RRB RRB अहमदाबाद, यहाँ से लेटेस्ट अपडेट आपको खुशखबरी देखने को मिली है। देखिए 26 तारीख की अपडेट है, NTPC वाले छात्रों के लिए क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड द ईकॉल लेटर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर DV के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर इसे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद अपना लॉगिन करने के बाद आप जो है अपना DV का एडमिट कार्ड देख सकते हैं। RRB अहमदाबाद के लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 वाले NTPC वाले छात्र। तो दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।